वो देखो भाई 245 किलोमीटर पर आवर, 250 पहुंचा दी भाई, 250 के पार चली गई भाई स्पीड। ओ भाई ये लग रही है भाई गदर। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। ये है मेरा होटल डे इन करके, हॉस्टल मतलब। इसका न्यू ईयर है भाई आज, तो पैसे कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं ये। दो दिन के 4300 रुपीज़ लिए, वैसे मतलब 700-800 पर दिन के हिसाब से मिल जाता है। तो ये बिल्कुल ही मेन स्ट्रीट पे है, नानजिंग स्ट्रीट जो यहाँ की शंघाई की है वहीं पे है ये वाला हॉस्टल। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ चाइना की पहली मैगलेव ट्रेन। आपने थंबनेल से देख लिया होगा, इस ट्रेन को टेस्ट किया गया 432 किलोमीटर पर घंटे तक। और मैगलेव का मतलब होता है मैग्नेटिक लेविटेशन, मतलब ये मैग्नेट पे चलती है और हवा में रहती है। इसके कोई टायर वगैरह नहीं है, जब प्लेटफॉर्म पे आती है तब नीचे हो जाती है। और वैसे ये मतलब जो पटरी है और ट्रेन उसके बीच में कुछ भी नहीं होता, टायर भी नहीं होते। तो ऐसी ट्रेन इन्होंने अभी चलाई है शंघाई सिटी सेंटर, मतलब मान लो सिटी के बीचों बीच में से शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट तक, दो एयरपोर्ट हैं, पुडोंग एयरपोर्ट तक इन्होंने ये मैगलेव ट्रेन चलाई है। तो उसकी टिकट वगैरह सारी चीज़ वहीं जाके देखेंगे, पहले यहाँ से कुछ खा पी लेते हैं। सुबह का टाइम है, कुछ भी नहीं खाया है, तो KFC वगैरह खाना पड़ेगा भाई। इनका तो खाना आपने देख लिया है, कुछ भी खाते हैं, चलते चलते बात करते हैं। ये लोग मतलब कुछ भी खा लेते हैं और इनको तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, पर मैं तो भाई वो कुछ भी नहीं खा सकता, मेरे को तो उल्टी आ जाएगी। तो KFC जाना पड़ेगा, चिकन बर्गर खाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट जो है वो काफ़ी दूर है यहाँ से, मैं उस डायरेक्शन में जाना नहीं चाहता अभी। रात को मन किया तो चले जाएंगे। तो चलते हैं खाना खाते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ मैगलेव ट्रेन, जिसका मतलब इतना वो चल रहा था पूरी दुनिया में कि ऐसी ट्रेन आएगी जो मतलब हवा में चलेगी, पटरी, उसको टायर की ज़रूरत ही नहीं होगी, पटरी पे मैग्नेट लगे होंगे। तो वो वाली ट्रेन मैं आपको दिखाऊंगा कैसी क्या है यहाँ भाई। नए साल में भीड़ देखो आप, सुबह सुबह ही कितनी हो चुकी। भाई KFC की जगह सोच रहा हूँ सब्बे खा लूँ, बड़े दिनों बाद दिखाए सब्बे बड़े कम है, देखते हैं क्या है यार, सब कुछ चाइनीज़ में लिखा है भाई। वैसे तो सब कुछ यहाँ पे तो सारा चाइनीज़ में लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है। तो अपना चिकन मैंने करा लिया, चिकन तेरियाकी, ठीक है, बंदी इंग्लिश भी बोल रही है, मेरे को सही लगा काफ़ी। तो भाई सब्बे से मैं करा लाया पैक, वहाँ तो भाई पूरी भीड़ हो रखी है, न्यू ईयर का दिन है ना, तो खा लेते हैं। भाई ये देखो चाइना में ना बहुत ट्रैफिक फॉलो करते हैं लोग, वैसे गाड़ियों की ग्रीन हो रखी है। और ये तीन गाड़ियां ना, अरे भाई ये तीन गाड़ियां ना मतलब फंस गई यहाँ पे आके, वैसे तो गाड़ियां वहीं पे रुक जाती हैं, पर लोगों को इतना चैन नहीं था कि इन तीन गाड़ियों को उनकी रेड लाइट पे निकल लेने दे। क्यों लोगों को इतना चैन इसलिए नहीं था क्योंकि भाई लोगों को ना बीच में से निकल के जाना, इतनी भीड़ में से मैं बीच में से एक कतार से मैं से निकल के आया हूँ, अगर इन तीन गाड़ियों को निकल लेने देते ना एक सेकंड में पार हो जाता सब कुछ, गाड़ियों का भी सही हो जाता लोगों का। ऐसे ही होता है भाई, जब मैं बैक कर रहा होता हूँ ना कई बार इंडिया में गाड़ी, मतलब पूरी रोड काट के काटनी पड़ती है भाई, लोगों को चैन ही नहीं है, स्कूटी वालों को तो खासकर। मैं बैक ले रहा हूँ पीछे से निकाल लेंगे, मैं आगे ले रहा हूँ आगे से निकाल लेंगे, अरे भाई एक सेकंड अगर रुक जाओगे तो क्या घट जाएगा, एक सेकंड की बात नहीं होती, पूरी गाड़ी मुड़ जाती है 2-3 सेकंड में तो। पर स्कूटी वालों को, रिक्शा वालों को चैन नहीं है बिल्कुल, यहाँ पे लोगों को चैन नहीं है। अरे भाई वो तीनों गाड़ी निकल जाती है ना ऐसे ऐसे, उन दोनों गाड़ियों के बीच में से निकल निकल के आए सारे लोग, अगर उनको निकल लेने देते आराम से सारे लोग निकलते। मेरे ऊपर एक बंदा ट्रॉली लेके आ रहा, ट्रॉली चढ़ा दी मेरे पैर पे, मेरे सिर पे चढ़ा देना भाई एक काम कर। लोगों को बिल्कुल चैन नहीं है भाई, बिल्कुल भी, मतलब पता नहीं यार क्या है। अगर आप भी मतलब किसी को देखो कि गाड़ी बैक कर रहा है, मोड़ रहा है, कट कर रहा है, तो भाई उससे आगे पीछे से मत निकालने लगा करो, थोड़ा वेट कर लो, सब्र कर लो, 5 सेकंड की बात होती है टोटल, पर वही सब्र नहीं हो पाता लोगों से, कर लिया करो भाई थोड़ा सब्र अपने अंदर डाल लो यार। भाई न्यू ईयर वाले दिन तो भीड़ ही इतनी, देखना मशीनें तो 5 लगी हुई हैं, 5 क्या बल्कि स्टेशन पे कम से कम 5 जगह, अरे इसके पीछे भी है 5 मशीनें और फिर भी इतनी भीड़ है आज। हमको जाना है भाई, इंग्लिश करो पहले, लाइन 2 पे स्टेशन है अपना, लयोंग यांग करके स्टेशन है भाई, ये रहा लयोंग यांग रोड, यहाँ जाना है हमको। नानजिंग स्ट्रीट से जाना पड़ेगा, लगभग 6-7 स्टेशन,
लियोंगयांग रोड पे, लियोंगयांग रोड पे, हाँ यहाँ से मिलेगी। मेगालेव ट्रेन यहाँ से चलती है, लिखा है लाइन 7, 16, 18 और मैगलेव लाइन। भाई ये देखो डिजाइन मैंने अभी नोटिस करा, डिजाइन भी इन्होंने अलग बना रखा है मैगलेव लाइन का, मतलब ट्रेन वाले से ना अलग सा बना रखा, जैसे मतलब हवा में झूल रही हो ट्रेन। चलो ढूंढते हैं अब कहाँ पे मैगलेव लाइन है, चलते हैं एयरपोर्ट तक, ऐसी गेड़ा मारेंगे। भाई मैगलेव लाइन ना मेट्रो से अलग है, तो हमको मेट्रो एग्जिट करनी ही पड़ेगी पहले, फिर अलग से टिकट लेनी पड़ेगी। ओहो मेरे को लग रहा है ये वाला स्टेशन मैगलेव लाइन का है और ये वाला मेट्रो है, तो अब ढूंढते हैं मैगलेव लाइन कहाँ है। ये रहा भाई मैगलेव लाइन का टाइम टेबल, पहली ट्रेन 6:45 पे जाएगी टू पुडोंग एयरपोर्ट, टू लोयंगयांग रोड, मतलब वहाँ से चलेगी एयरपोर्ट से, और लास्ट ट्रेन इतने की। मेरी कल फ्लाइट है भाई, मेरी कल ना फ्लाइट है सुबह 7:30 बजे, उसका काउंटर मतलब बंद हो जाएगा 6:30 बजे। मैं चाह के भी ये ट्रेन कल नहीं ले सकता था, और फ्लाइट मिल रही थी 10 बजे वाली 11 बजे वाली, पर वो मतलब महंगी मिल रही थी 2-3 हज़ार रुपये, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेट्रो तो वैसे भी नहीं चलेगी सुबह 7:30, टैक्सी से जाना पड़ेगा। तो ट्रेन्स का तो मैं शौकीन हुई भाई, ट्रेन्स तो हर तरह की हमने ट्राई कर रखी हैं, तो यार मैगलेव लाइन क्यों ना ट्राई करें, करेंगे यार मैगलेव लाइन भी ट्राई। तो यहाँ से लेते हैं अब टिकट और चलते एयरपोर्ट जाएंगे, और फिर वापस आ जाएंगे, अपना रिटर्न जर्नी की कोई टिकट होगी तो वो ले लेंगे, वरना अलग अलग ले लेंगे। तो चलते हैं भाई। यार मैग्नेटिक लेविटेशन, लेविटेशन का मतलब ये होता है कि हवा में झूलना, देखते हैं भाई। यार सेल्फ सर्विस से ही लेंगे यार हम, वहाँ से लेने में मज़ा नहीं आएगा, इस में से ही लेते हैं। सेल्फ सर्विस में आप तभी ले सकते हो जब आपके साथ लिपे वी चैट वगैरह वगैरह हो, तो हमको उस वाली लाइन में ही लगना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास नहीं है लिपे वी चैट। ये प्राइसेस लिखे भाई, सिंगल ट्रिप के 50, इकोनॉमी वाली क्लास में वीआईपी में 100 और रिटर्न के 80 हैं। ओके कम कम बैक का टुडे या टुडे टुडे या टुडे लास्ट डे 940 ओके ओके 940 या पानी प्लीज थैंक यू। तीन भाई ये पर्ची सी दे दी, तीन का सेंस समझ नहीं आया, या तो दो देते या एक ही देते, एक ही राउंड ट्रिप के अपने मेट्रो कार्ड जैसा ही दे दिया भाई। ये लिखा टू शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो बंदा मेरे को समझाने लग गया आज की लास्ट ट्रेन 9:45 की है, मतलब राउंड ट्रिप शायद सेम डे वाले दिन ही ले सकते हो। तो मैंने कहा मामा अभी आ जाऊँगा वापस मैं तो, एक घंटे में जाके और आना ही है। तो ये ट्रेन जो दूरी तय करती है वो करती है 32 किलोमीटर की, और कुल 32 किलोमीटर तय करने में ट्रेन लगाती है 7 मिनट, समझ रहे हो आप? कुल 32 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगाती है ये? ओनली 7 मिनट्स। यहाँ से लोयंगयांग रोड से जाती है शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7 मिनट्स, और 7 मिनट्स ही लगाती है वापस आने में। ट्रेन आ चुकी है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये खड़ी भाई अपनी ट्रेन है भाई, ये भाई ये कैसी शक्ल है इस ट्रेन की बहुत ही अजीब है भाई, ये तो ड्राइवर होगा ड्राइवर इसमें, तो देखो बिल्कुल गैप, मतलब ट्रेन के पहिए हैं ही नहीं। तो मेरे हिसाब से अब चलते हैं ट्रेन के अंदर, अगर सीट मिली तो इस वाली में बैठ के जाऊंगा, मिल जाएगी मेरे हिसाब से, इतने बंदे तो नहीं थे, आगे वाले से चल लेते हैं। चलो मिल जाएगी सीट तो, SMT पता नहीं क्या शंघाई मेट्रो नाम है क्या है, पर हाँ आ गई। चलो चलते हैं, कहाँ बैठे, यहाँ बैठ जाते हैं। अंकल जी हटो, हाँ ये बैठ गए भाई हम मैगलेव ट्रेन के अंदर। वहाँ पे लिखे आने लग रही है भाई स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिखाने लग रहा है, और ये बाहर सिक्योरिटी गार्ड घूमते रहते हैं भाई, बंदे इतने सही हैं, एक बार भी नहीं टोका वीडियो वगैरह के लिए। ये बॉटल ना, अरे मैं सोच रहा था ये बॉटल यहाँ रख के, और इसका मतलब वो चेक करते हैं कितनी स्टेबल है, ट्रे वगैरह नहीं दे रखी भाई इसमें, क्योंकि 7 ही मिनट की जर्नी है, इन्होंने सोचा वो क्या ट्रे फ्रे देनी, पर्दे वगैरह दे रखे हैं, पर्दे वर्दे लगाने हो तो, लाइटें वाइटें भी दे रखी हैं, मतलब माहौल काफ़ी सही बना रखा है ट्रेन के अंदर का ना भाई। मेरे को लग रहा है गलत तरफ मुँह करके बैठ लिया मैं, ये तो ट्रेन इस तरफ चल दी, जाता हूँ भाई कहीं और बैठता हूँ, ये तो उल्टा बैठ लिया मैं इसमें तो मज़ा नहीं आएगा।
ऐसे करके देखना पड़ेगा। ये देखो भाई, ये पटरी देखो, आप देख रहे हो पटरी में कुछ भी नहीं है। देखो पटरी देख लो आप, कुछ भी है ही नहीं पटरी में, आने वाली ट्रेन के लिए है। 7 मिनट में ट्रेन हमको 32 किलोमीटर ट्रेवल करके पहुंचा देगी एयरपोर्ट। स्पीड देख लो अभी कितनी आ रही है, 165 आ चुकी है। बढ़ती भाई बहुत जल्दी बढ़ी है यार स्पीड तो। ये बच्चा भी देखो, सारे जितने भी लोग हैं खुद ज़्यादा एक्साइटेड है। भाई मुड़ गई है तो टेढ़ी हो गई। देखो देखो बच्चा कितना एक्साइटेड हो रहा है। ओ भाई 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 फाड़ दिया भाई इसने तो। मतलब इतनी कम दूरी में इतनी तेज स्पीड चलाना ना, ये मतलब वो है क्या कहते हैं अजू। ओ भाई अब इस तरफ लुढ़क गई, ऐसे हो गई है भैया ट्रेन। वो देखो भाई 245 किलोमीटर पर आवर, 250 पहुँचा दी भाई, 250 के पार चली गई भाई स्पीड। ओ भाई ये लग रही है भाई कदर भाई। और साइड वाली पटरी देखो आप, कुछ भी नहीं है उसमें, पहियों वहियों के लिए जगह ही नहीं है भाई। ये बूम, और साइड में सब ट्रेन निकल जाए तो फट जाएगी मेरी तो, मेरे को लग रहा है भाई। 299 की स्पीड पर पहुंच चुकी है ट्रेन, 301 पे कांस्टेंट कर दी है। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जाने लग रहे हैं भाई, शहर के बीचों बीच में से भाई। बच्चा भी देखना पूरा एक्साइटेड हो रखा है। 301 ऐसे चल रही है ट्रेन भाई। ओ भाई कुछ ये देख लो भाई, बिल्कुल मैंने तेज नहीं कर रखी, ना स्लो कर रखी वीडियो, ना तेज कर रखी, नॉर्मल वीडियो। सब लोग रिकॉर्डिंग करने लग रहे हैं, सब लोगों ने सीधे को वो भी रिकॉर्डिंग करने लग रही है, वो भी रिकॉर्डिंग करने लग रही है सब लोग। ओ भाई मैं तो सोच रहा हूँ बाहर से देखने में कैसी लगती होगी यार ये। ये भाई 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 अब ये नहीं पता यार सामने से ट्रेन आएगी या नहीं आएगी, वो कैसी लगेगी, पर दिखेगी नहीं यार वो तो। 300 हमारी, 300 उनकी, 600 हो जाएगी पूरी। मैगलेव ट्रेन भाई, और आवाज़ तो मेरे हिसाब से है ट्रेन में, ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं है, पर इतनी नहीं है भाई। ये नॉर्मल जगहों पे चलने लग जाए ये ट्रेन, दिल्ली से जयपुर। बच्चा नहीं है, बड़ा लग रहा है मेरे को, मैं इसको बच्चा बच्चा करे जा रहा हूँ। देखो आए तो हम इससे बुलेट ट्रेन में, इससे तेज वाली में थे, 350 पे आए थे हम, पर ये है स्पेशल क्योंकि भाई शहर के बीचों बीच चला दी एयरपोर्ट तक भाई। अभी साइड में से ट्रेन निकल गई, वो मैं आते हुए दिखाऊंगा आपको, मेरे को पता ही नहीं था कब आएगी, आते वक्त ऑन ही रखेंगे। अब भाई स्पीड कम करनी स्टार्ट कर दी, पहुंचने वाले हैं शायद वो भाई। ये तो जर्नी शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई सही बताऊँ तो। ये भाई लंबी दूरी पर हो ना ट्रेन, बड़ा मज़ा आए। ये आ गया भाई शंघाई का पुडोंग एयरपोर्ट, और यहाँ पे ट्रेन की स्पीड हो गई 100, पहुँच गए भाई। अरे यार इतना तेज़ हो ट्रेन तो, कोई फ्लाइट के लिए लेट ही नहीं होएगा बंदा यार। ये पहुँच गए भाई हम एयरपोर्ट, निकलते हैं बाहर, और इसी ट्रेन में वापस भी जाना है हमको। ओ भाई सच बताऊँ कैसी फीलिंग आई, जैसे दिल्ली की मेट्रो की स्पेशल ट्रेन नहीं चलती दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस, वैसी फील आई मेरे को जब वो ट्रेन चली थी ना। उसका भी बड़ा ही मतलब वो हुआ था कि भाई ये वाली नॉर्मल मेट्रो से तेज़ चलती है, ये वाली बड़ी तेज़ आपको एयरपोर्ट पहुंचाएगी, शायद दिल्ली चांदनी चौक से एयरपोर्ट पहुंचा देते 20 मिनट में। वो 20 मिनट तो खैर ज़्यादा हो गए इस ट्रेन के हिसाब से, पर वो भी शायद 120-100 के आसपास चलती है, और उसके 2-3 स्टॉप्स भी हैं। पर ये 300 किलोमीटर वाली में हम स्टॉप्स में कर नहीं सकते, क्योंकि यार 300 पे फिर ब्रेक मारो फिर चलाओ फिर ब्रेक मारो फिर चलाओ तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो इन्होंने डायरेक्ट ही कर दिया भाई शंघाई से डायरेक्ट। अब हमको यहाँ से वापस जाना है। अब ये देखो सारे लोग निकाल देंगे, नॉर्मल मेट्रो में क्या होता है भाई अब दोबारा बैठ जाओ ऐसा वैसा, पर इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको निकलना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा, दोबारा सिक्योरिटी चेक, फिर वापस आना पड़ेगा। तो ये है भाई एयरपोर्ट वाला मैगलेव का स्टेशन,
और ये पता नहीं क्या बना रखा है। चलो हम चलते हैं, हमारे पास तो टिकट है ही, वापस चलते हैं। अब हम बड़े बड़े भाई चाइना के फ्लैग्स लगा रखे हैं भाई। अचीवमेंट इन्होंने बहुत बढ़िया करी यार, मैगलेव ट्रेन लाना। भाई खर्चा बहुत ज़्यादा है इस मैगलेव ट्रेन को, ये जो 32 किलोमीटर की जर्नी है ना, ये पता नहीं कितने बिलियन ऑफ डॉलर में बनी होगी, सिर्फ 32 किलोमीटर की जर्नी और इन्होंने बना दी। और टिकट भी मैं ज़्यादा महंगी नहीं कहूँगा यार, दिल्ली मेट्रो के हिसाब से तो खैर महंगी है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो की तो शायद 100 रुपये की टिकट है पुरानी दिल्ली से एयरपोर्ट तक की। किलोमीटर भी कम है, अगर किलोमीटर इतने इक्वल कर दें हम तो मेरे हिसाब से 1500-200 रुपये की होनी चाहिए। और यहाँ की वन वे जर्नी है 500 रुपये की, अगर टू वे लेते हो तो फिर 80 युआन मतलब लगभग 900 रुपये की पड़ेगी, 950 रुपये की। तो भाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से पैसे थोड़े ज़्यादा है। चाइना में और सब चीज़ें तो सस्ती हैं, ट्रेन थोड़ी महंगी हैं बस। ये देखो इन्होंने बना रखी है शंघाई मैगलेव म्यूज़ियम, पता नहीं ये है इनकी ट्रेन, ऐसी प्लेटफॉर्म पर चलती है भाई ये, ऐसी है देख लो आगे से। भाई ये देखो यहाँ पे एक माउस फिट कर रखा है और यहाँ पे गेम सा भी फिट कर रखा है। 300 के हिसाब से चलना है तो हमको इसमें ठीक करना है ट्रेन में, पता नहीं क्या है, चाइनीज लोग कुछ भी बना देते हैं भाई। कैसे कैसे चलना है, चल भाई आगे। ओ, ये मैगलेव ट्रेन ख़राब खड़ी है, इसको हमको ठीक करना है। ओ और मेट्रो की तरह नहीं है कि आपका प्लेटफॉर्म यहाँ पे खुला ही रहेगा, प्लेटफॉर्म ए प्लेटफॉर्म बी, जब ट्रेन आके लग जाएगी और उसमें से सारे पैसेंजर्स उतर जाएंगे तो ही ये प्लेटफॉर्म खोलते हैं और तभी आप जाके खड़े हो सकते हो, क्योंकि वरना कोई आगे कूद गया ट्रेन के या फिर कुछ भी मतलब, तो इनका पूरा यार इतना बिलियन डॉलर का इक्विपमेंट ख़राब हो जाएगा। मेट्रो तो चलो ठीक है, वो तो इतनी महंगी नहीं है, ये तो अलग ही टेक्नोलॉजी चल रही है, तो इसलिए खोलते ही तब है जब ट्रेन लग जाती है, और ना ट्रेन के आप इस तरफ जा सकते हैं ना उस तरफ, वहाँ पे भी प्लेटफॉर्म बंद ही रखते हैं। इस बार हमारा मिशन रहेगा सामने वाली ट्रेन को रिकॉर्ड करना जो हमारी तरफ आएगी। अभी किस तरफ आके लगेगी पता नहीं, किस तरफ चलेगी चलो बाद में देख लेंगे, अभी तो चल के बैठते हैं। भाई इस बार मैं कैमरा ऑन ही रखूँगा जब तक वो ट्रेन आ नहीं जाती, पिछली बार आई थी मेरी फट गई थी, इतनी तेज निकली थी। चल चुके हैं मेरे हिसाब से भाई, ये वाला VIP डिब्बा है, पता नहीं मेरे को, ये दो दो सीट हैं पर मैं आके बैठ गया, अपना कोई टोकेगा तो बाद में देखी जाएगी। भाई निकल गई साइड में से ट्रेन मैं तो कहने वाला था कुछ इतनी देर में तो गायब होली, क्योंकि डिब्बे इसमें 4-5 हैं, साइड वाले में भी 4-5, 300 300 600, बहुत तेज होती यार 300 की स्पीड, यार कुछ भी नहीं दिख रहा देखना। उतर गए भाई ट्रेन से, अब करते हैं एग्जिट। 80 युआन सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दे दिए मैंने तो, एयरपोर्ट जाता मतलब टाइम पे चल रही होती है तो मतलब वसूल भी लगते कि हाँ भाई चलो 50 युआन दे के एयरपोर्ट तक भी गया, पर चलो कोई नहीं। तो भाई ये थी मैगलेव ट्रेन की जर्नी चाइना में जो चलती है, मेरे को नहीं लगता पूरे वर्ल्ड में कहीं और मैगलेव ट्रेन अभी तक ऑपरेट हो रही है, सिर्फ यही हो रही है शंघाई सिटी सेंटर से शंघाई एयरपोर्ट तक। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, छोटी सी वीडियो थी, ये स्पेशल ट्रेन मेरे को आपको दिखानी थी क्या क्या अजूबे दुनिया में चलने लग रहे हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।